बबीता जी क्या कर रही, भवानी जी के बारे में सोचना चाहिए आपको। दिलदार जी आप टेंशन मत लीजिए, भवानी जी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तभी तो खुशी खुशी इतना सच धज के आई है। इन्हें देखकर कौन कहेगा कि ये अकेली है। अकेली औरत को सजने का हक नहीं होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन दिलदार जी को लगा कि ये दुखी है, इसलिए इन्हें बता रही थी कि भवानी जी तो अपने टूटे हुए रिश्ते से कब की उभर चुकी है। तभी तो ऐसे भड़कीले रंगों से इन्हें कोई परहेज नहीं है। मॉम प्लीज, अब विराट को ही देखिए, इसका भी रिश्ता टूट गया। लेकिन ये दुखी नहीं है, कितने स्टाइलिश कपड़े पहनता है, पार्टी करता है, एंजॉय करता है, आप सबसे हंस के मिलता है, आप लोगों की हेल्प भी तो करता है। क्या है ना, इंसान के पहनावे और दिखावे से ही पता चलता है कि इंसान क्या महसूस कर रहा है। और भवानी जी को तो मैंने जिंदगी के मजे लेते हुए देखा है। अरे हमारी छत पे वो ऐसे इनके साथ ऐसे वो हाथ पकड़ के गोल 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 घूम रही थी, वो क्या फू फू क्या बोलते उसे, वो दीदी फुगड़ी फुगड़ी हाँ फुगड़ी डांस करते हुए मैंने देखा है। और आज भी इतना खुशी खुशी बनठन कर आई है, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये अपना टूटा हुआ रिश्ता पीछे छोड़कर आगे चल पड़ी है। जब इन्हें अधिकार है सजने सवरने का, अपना पिछला भुलाकर आगे चलने का, तो फिर इशिका और जयेश जी पर ये जाति क्यों? इन्हें एक होने का अधिकार क्यों नहीं है? तुम अब क्यों चुप हो? हाँ जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? क्योंकि तुम जानती हो कि मैं गलत नहीं हूं। चलो गलत फहमियां तो दूर हो गई। विराट आओ ना यहां, तुम मेन होस्ट हो। कम 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 चलो अब सारी रस्में हम शुरू करते हैं। हाँ